ब्रेकिंग संभल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिलिया ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने अस्पताल में ओपीडी एमएनसीयू वार्ड के एमएससी एवं सीटीवी स्कैन ऑक्सीजन प्लांट तथा ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया एवं ऑपरेशन थिएटर में मशीनी उपकरण फोकस लाइट आदि का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रक्तदान कक्ष का भी निरीक्षण किया। संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने अस्पताल की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल की साफ सफाई करने वाली एजेंसी ऑल ग्लोबल सर्विसेज के सुपरवाइजर अंकित को 3 दिन के अंदर अस्पताल की अच्छी तरीके से साफ सफाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा चिकित्सकों एवं कर्मिकों के स्थानांतरण अगर होते हैं तो अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में लाते हुए उसको रिलीव किया जाए। जिलाधिकारी ने ब्रेकडाउन रजिस्टर चेक करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश करते हुए कहा कि रजिस्टर के अंतर्गत जो उपकरण खराब है उनको रजिस्टर में लाल स्याही से अंकित किया जाए तथा जो उपकरण सही हो जाए उनको नीली स्याही से अंकित किया जाए। जो कॉलम रजिस्टर में रिक्त पाए गए उनको भरने के निर्देश दिए। अवनी परिधि योजना के अंतर्गत जो कार्मिक अस्पताल में अनुपस्थित पाए गए उनके स्थान पर अन्य कर्मिकों को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देश दिया। संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट संभल से। क्या कुछ लापरवाही? आज सुबह 8 बजे जो जिला संयुक्त चिकित्सालय है हमारा, इसका निरीक्षण किया गया। इसमें जो ऑल ग्लोबल सर्विसेज एजेंसी है तो उनकी सफाई सुबह 6 बजे से शुरू होनी चाहिए थी, जो SOP में लिखा है, लेकिन आज रविवार था तो 8:15 तक भी उन्होंने सफाई शुरू नहीं की। तो एक तो निर्देशित किया गया है कि समय से सफाई करें और अच्छे से सफाई करें। जो SOP होती है सफाई की, जिसमें सर्फ होता है या साबुन होता है, फिर प्लेन वाटर होता है और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो इसी क्रम से सफाई होनी चाहिए। दूसरा, आज रविवार था तो जो भी डॉक्टर्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल थे। और तीसरी चीज, कुछ रजिस्टर्स जो थे वो अपडेटेड नहीं थे, जैसे अभी 2 तक का ही रजिस्टर अपडेट किया हुआ था OT का, तो इस तरह जो रजिस्टर अपडेशन है उनके ऊपर भी बात की गई। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे थैलेसीमिया है, इसका डिटेक्शन हो रहा है जो पूरे प्रदेश में हमारे इस हॉस्पिटल में सर्वाधिक हो रहा है। और इसमें प्रशासन के द्वारा भी यहाँ का प्रेजेंटेशन भी हुआ और यहाँ की प्रशंसा भी की गई। तो यहाँ की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हम और अधिक एनहेंस करेंगे और जो कमियाँ हैं उनमें सुधार करेंगे और इस हॉस्पिटल को पूरे प्रदेश का बेस्ट हॉस्पिटल बनाने का प्रयास करें। प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए भी सरकार गया है। 2 चीजें, एक यहाँ पे मैंने जितने भी रोगी देखे सबके पास प्लास्टिक की बोतल, और वो जो प्लास्टिक की बोतल होती है एक बार से दोबारा यूज करते हैं तो वो एक तरह से मैं उसको कैंसर बोतल बोलता हूँ। उसके पीछे कारण है क्योंकि उसमें कार्सिनोजेनिक जो इफेक्ट होता है वो होता है, उसके कारण भविष्य में कैंसर रोग होने की संभावना बनती है। दूसरा, यहाँ पे जो भी व्यक्ति प्रवेश करते हैं बहुत सारे गुटखा पान बीड़ी तंबाकू खाते हुए मिलते हैं, तो आज हमने ये किया कि जितने भी पान बीड़ी गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग आए उनके ऊपर जो 200 रुपये जुर्माना है वो रसीद काटी जाए और भविष्य में पान बीड़ी गुटखा जो बाहर गार्ड रहते हैं वो उनका पहले ही ले लेंगे ताकि अंदर सफाई व्यवस्था है वो अच्छी बनी रहे। नियम जो 200 रुपये का जुर्माने का जो है अस्पताल के स्टाफ पर भी लागू होगा? ये स्टाफ पर, सारे सफाई कर्मियों पर और बाहर से जो भी आ रहा है उनके ऊपर लागू होगा। इसके साथ में हमने जो HMIS पोर्टल है, UDSP पोर्टल है, इनको भी देखा, इनकी भी समीक्षा की। अभी यहाँ की स्थिति ठीक है और अभी संचारी रोग अभियान का महीना चल रहा है, 10 तक अभियान चल रहा है, तो हम लगातार 3 महीने तक प्रतिदिन आधे घंटे पूरे के पूरे जो स्वास्थ्य विभाग की है वो निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जो संभल है वो न केवल मुरादाबाद मंडल में अपितु पूरे के पूरे